8 मार्च मंगळवार रोजी सकाळी 8 वाजता उमेश मांडवे यांचा परतवाडा स्थित संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना डॉक्टर कमल अग्रवाल यांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याची तक्रार मृतकाचा चुलत भाऊ संजय मांडवे यांनी केली आहे. फिर्यादीने परतवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट लिहून मागणी केली की फिर्यादी आणि त्यांचा भाऊ उमेश मांडवे बुधवारा पेठ अंजनगाव सुरजीमध्ये राहतो. उमेश मांडवे वय 30 वर्ष यांना मार लागला असल्यामुळे त्यांना 7 मार्च 2022 रोजी अंजनगाव ग्रामीण रुग्णालय येथे टाकी देऊन त्यांना कमल अग्रवाल यांच्या रुग्णालयात भरती करण्यात आले आणि ते बरे आहे असे डॉक्टरांनी सांगितले. सकाळी 8 वाजता उमेश मांडवे यांचा भाऊ दवाखान्यात आला तेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना सांगितले की उमेश मांडवे या रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. अंजनगाव सुरजी कैलाश मांडवे मेरा भाई जब रात में लाए थे हमने तो सुखरूप लाए थे, जब चलते हुए लाए थे. घटना ऐसी हुई कि भाई मोटरसाइकिल चलाते हुए स्लिप होके गिर गया तो उसको चोट लगी थोड़ी. हमने सिटी स्कैन करे तो सिटी स्कैन का जैसा इनको रिपोर्ट दिए तो इन्होंने नॉर्मल बताए, कुछ भी नहीं बताए, कुछ भी नहीं होगा करके. कमल अग्रवाल के यहाँ भर्ती करे हमने तो इन्होंने बताया कि भाई हमारे को तुम्हारे पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा है, सवेरे लेके चल जाना. सवेरे जब रात में मृत्यु हो गई, सवेरे घोषित कर रहे कि भाई तुम्हारा अभी पेशेंट मरा हुआ रात के 2 बजे. पेशेंट मरा हुआ रात के 2 बजे और घोषित कर रहे 7:20 पे कि तुम्हारा पेशेंट मर गया. हम जाके देख रहे तो पेशेंट पूरा कड़क हो गया था, हरा चिरा हो रहा और पेशेंट को कोई ये नहीं थी. इसका जिम्मेदार ये श्री कमल अग्रवाल संजीवनी राठी दवाखाना, ये जो संजीवनी हॉस्पिटल है, संजीवनी हॉस्पिटल है, इनका इनकी तकरार में हुई, इनकी गलती से मृत्यु हुई उसकी. ये तो मृत्यु नहीं होती थी. डॉक्टर का क्या काम रहता भैया? डॉक्टर का काम कैसा रहता? आपने फीस ली तो आप पेशेंट की देखभाल करो. पेशेंट को काय के लिए लाते आपके यहाँ पे देखभाल के लिए कि भाई अच्छा हो जाएगा. आप हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है. सुबह बोलते 7 बजे के वो भी क्या नाम तुम्हारे लेडीज बोल रही है वहाँ की डेट होगी. डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं है. डॉक्टर आ भी नहीं रहा नीचे. अब हमारे पूछने के पहले थानेदार साहब को परत वाले के यहाँ बुलाया, हमको शांत कराया, फिर भी आने के लिए तैयार नहीं. हम बोल रहे बाहर आके आप बताओ कि भैया क्या कारण हुई, क्या हुआ, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है. और ये भाई अपने अंजन गांव के भाई है, इनको न्याय मिलना चाहिए. हमारी मांगनी है जो डॉक्टर साहब को अटक करो, हमारी इतनी मांगनी है. यानंतर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. उमेश मांडवे यांच्या नातेवाईकांनी मागणी केली आहे की डॉक्टर कमल अग्रवाल यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात यावी आणि शिक्षा देण्यात यावी. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती परतवाडा पोलिसांनी दिली आहे. आय विटनेस थाने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, उसने बोलते हैं खुद ने अपने आप को गटर में डाल दिया, गाड़ी लेकर चले गए. इसी उसके भाई ने मरा, भाई किसने देखा गिराते हुए तो मालूम नहीं, बोले सर हमारे को बाद में मरा, एम्बुलेंस से हमें लेकर आए. तो पहले उनको आरएच में लेकर गए, वहाँ से उसको सिटी स्कैन को रेफर करें. अच्छा, तो अपने यहाँ सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन करके मेरे यहाँ लाए. तो पेशेंट को उन्होंने खुद बताया कि कम से कम 5-7 लोगों को पकड़ के उसको स्कैन कराया गया. पेशेंट कॉन्शियस नहीं था, बेहोश था, डिसोरिएंटेड था. उसको यहाँ पर बहुत बड़ा एक मार था जिसके टाके अंजन गांव में उनको लगा दी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर. उसको एडमिट आया, पर देख लिया, उसका स्कैन आया, उसको एडमिट कर दिया. और लेट को उसके अंदर स्कैन के अंदर है, दिमाग के अंदर सामने पूरा मार लगा है. अच्छा, पहले गिरा वो पीछे गिरने से ये पूरा कट गया और ये दिमाग सामने आ गया. इसको यहाँ पर पूरा खून जमा हो गया, उसको मार गया. और उसके अंदर कोई ऐसा फ्रैक्चर नहीं था, कोई ऑपरेशन करने की चीज नहीं करनी थी, क्योंकि उसमें सिर्फ जख्म है पर कोई सूजन नहीं, कोई ब्रेन के अंदर इधर का ब्रेन उधर हल गया या खून जमा हो गया बहुत, ऐसा कुछ था नहीं. एक जगह थोड़ा सा खून था, वो भी 4 मिलीमीटर था. 4 मिलीमीटर को ऑपरेशन इंडिकेटेड नहीं है. तो उसको अपने एडमिट करे, उनको बता दिया ऐसा ऐसा है. और ये सब हुई 11:30 बजे उन्होंने स्कैन लेकर आए और सडनली 7 बजे पेशेंट अरेस्ट हो गए. तो रिलेटिव को ये बोलना है कि भाई 6 बजे अच्छा था तो 7 बजे डेथ कैसे हुई. उनका बोलना आ रहा है कि पेशेंट रात को 2 बजे ही मर गया. अच्छा, तुमने 2 बजे से 7 बजे तक पेशेंट को किसी ने देखा ही नहीं. आईसीयू में पेशेंट वैसे रह गया और वो डेथ रात को छू चुकी है और तुमने हमारे को सवेरे बताया जब आप आए. ये मेडिकल लीगल केस है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो इसका होता है किसी ने एक में कूड़ा दिया हो तो पुलिस केस रजिस्टर होता है. और उसके बाद में जब भी ऐसे पेशेंट को डेथ होती है इसकी पोस्टमार्टम कॉज ऑफ डेथ, कारण क्या मृत्यु का और कितने बजे मृत्यु हुई, किस कारण से हुई, अल्कोहल कितना था, ये सब के लिए करना लॉ के तहत. तो मेरे को इन्फॉर्म करते बोले आपने पुलिस को बुला के बंदोबस्त बुला लिया. अच्छा, भाई मेरे को तो इन्फॉर्म करना कानूनी कार्रवाई है. विदर्भ न्यूज ब्यूरो परतवाड़ा.